आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। अगर आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन तो आता है बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए, तो चैप्टर नंबर 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, जिसके मैंने आपको फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट और फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बता दिया है, अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 1, आप इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि दिए गए इन्फॉर्मेशन से आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर कीजिए, दिए गए इन्फॉर्मेशन को बैलेंस शीट में शो कीजिए, और जो बैलेंस शीट बनेगा वो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बनेगा, पार्ट फर्स्ट शेड्यूल 3। अब इसका फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बता दिया रखा है कि इसका फॉर्मेट किस तरह से होता है। विथ फॉर्मेट आपको इस क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन को शो करना है बैलेंस शीट में। ध्यान में रखिएगा, जब भी बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट नोट ऑफ अकाउंट आपको जरूर बनाना पड़ेगा, और नोट ऑफ अकाउंट में आपको हेडिंग के अंदर कौन कौन सी चीजें आपने लिखा हुआ है उसको जरूर दिखाएंगे, पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है इस तरह से, शो द फॉलोइंग आइटम्स इन द बैलेंस शीट एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 इन शेड्यूल 3। इन्फॉर्मेशन में क्या दे रखा है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, 10% डिवेंचर, स्टॉक इन ट्रेड, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, गुडविल, लूज टूल्स, मोटर व्हीकल्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। अब देखिए, आपको ये पता होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था फॉर्मेट, आप अगर फॉर्मेट को नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाइए, फॉर्मेट का लिंक दिया हुआ है, फॉर्मेट देखिए। सबसे पहले, बिना फॉर्मेट के आप बैलेंस शीट नहीं बना सकते, क्योंकि जैसा कि यहाँ पर दे रखा था, नॉर्मली अपने लोगों ने जब बैलेंस शीट बनाना सीखा, इसको उठा देते जो लायबिलिटी होता है लायबिलिटी में लिख देते हैं, जो एसेट्स होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर फॉर्मेट में आइटम्स की जो हेडिंग्स होती है वो फिक्स होती है, उसी हेडिंग में डाला जाता है। जैसे डिस्काउंट और इश्यू ऑफ शेयर्स है, डिस्काउंट और इश्यू ऑफ शेयर एक तरीके होने वाला क्या होता है, लॉस होता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स को कहाँ शो करते हैं, ये शो होता है, इसको एसेट्स कहते हैं, और एसेट्स के कहाँ पर, अदर करंट एसेट्स के अंडर में शो करते हैं। तो आपको पार्टिकुलर है, जैसे डिवेंचर है लॉन्ग टर्म बोरोइंग में चला जाएगा, स्टॉक इन ट्रेड है ये इन्वेंट्रीज में चला जाएगा, कैश एट बैंक है कैश एंड इक्विवेलेंट में चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, आपको हर एक पॉइंट की कौन से हेडिंग में इसको लिखा जाना होता है उसको पता होना चाहिए, ठीक है। फिलहाल मैं आपको हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करता चलाऊंगा, नोट ऑफ अकाउंट बनाते चलाऊंगा कि किस हेडिंग में किसको लिखाते हैं, आप ध्यान से देखिएगा लास्ट तक, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें कुछ इस तरह से फॉर्मेट की जरूरत पड़ती है, हमने पहले ही नोट कर लिया है कि जहाँ पर इक्विटी एंड लायबिलिटीज है, जिसके अंडर में हम शेयर होल्डर फंड दिखाते हैं, शेयर होल्डर फंड में क्या होता है, शेयर कैपिटल आता है और रिजर्व एंड सरप्लस आता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस और शेयर होल्डर फंड से रिलेटेड कोई भी शेयर कैपिटल नहीं गिवन है, तो हम यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे छोड़ देंगे। नॉन करेंट लायबिलिटी दूसरा हेडिंग होता है, उसके अंदर जो सब हेडिंग आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब हमें ये देखना है कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या क्या दिखा जाएगा, इसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा नोट ऑफ अकाउंट। तो नोट ऑफ अकाउंट नंबर 1, ठीक है। तो ये जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या आएगा, आपने जो क्वेश्चन देखा, इस क्वेश्चन में एक चीज आता है केवल इसके अंदर, वो होता है डिबेंचर, क्योंकि लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है जो बहुत लंबे टाइम के लिए जो उधार वगैरह ले रखा है। तो इसमें आएगा 10% डिबेंचर, और 10% डिबेंचर अमाउंट कितना दे रखा है, 2 लाख, तो यहां पर लिख दीजिए 2 लाख, ठीक है ना। इसका मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंडर में आपको जो हेडिंग लिख रहे हैं, आप कौन सा लिख रहे हैं, डिबेंचर को लिख रहे हैं, लेकिन डिबेंचर यहां नहीं लिखा जाएगा, यहां पर लिखा जाएगा उसका अमाउंट, और इसके अंदर क्या लिखा है आपने डिबेंचर, वो अपने नोट ऑफ अकाउंट में शो किया है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद जो हेडिंग आता है वो होता है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में क्या लिखा जाएगा, करंट लायबिलिटी में बहुत सारी चीजें आती हैं, आपको मैंने पहले ही बता रखा है करंट लायबिलिटी में क्या क्या शो करता है, बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करंट लायबिलिटी में आ रहा है अदर करंट लायबिलिटीज। अब अदर करंट लायबिलिटीज में क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में कहीं पर भी अदर करंट लायबिलिटी का कोई दूसरा अमाउंट नहीं दे रखा है, बस एक चीज दे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्स। जो प्रोविजन टैक्स होता है उसका जो हेडिंग होता है वो होता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, तो तीसरा नंबर डालेंगे इसको, तो कुछ नहीं है छोड़ देंगे, तो सेकंड नंबर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन्स। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या है, यहां पर लिखिए प्रोविजन फॉर टैक्स, और ये अमाउंट कितना है 16,000। जो कुछ भी आप यहां लिख रहे हैं उसके बारे में वहां बताना जरूरी है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये पॉइंट नंबर 2, और ये अमाउंट कितना है 16,000।
लाइबिलिटीज का अमाउंट पूरा हो गया क्योंकि और भी कुछ भी दे नहीं रखा है लाइबिलिटीज से रिलेटेड। ठीक है, अब आते नीचे। नीचे क्या है जो हेडिंग बनाते हैं, सबसे पहला हेडिंग बनता है एसेट्स का। हेडिंग्स में मेन हेडिंग है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में हेडिंग बनेगा फिक्स एसेट्स, और फिक्स एसेट्स में दो चीज़ें आती हैं, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, अब ढूंढना है टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है ऐसी एसेट्स, फिक्स एसेट्स जिसका अपीयरेंस होता है, फिजिकल फॉर्म होता है। और फिजिकल फॉर्म अगर देखें यहाँ पर, अगर आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है देखिए, इसमें ढूंढनी है फिजिकल फॉर्म किस किस का है। एक है मोटर व्हीकल्स, ठीक है, और दूसरा क्या है लूज टूल्स। पहले इन दोनों को नोट्स ऑफ अकाउंट में हम क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। ये हो गया नोट्स ऑफ अकाउंट। तो हमें लिखना क्या, टेंजिबल एसेट कैलकुलेट करना है। टेंजिबल एसेट में दो चीजें हैं, एक है मोटर व्हीकल्स अमाउंट 4,75,000, और दूसरा आइटम क्या दे रखा है, लूज टूल्स। लूज टूल्स और ये आइटम कितना दे रखा है, 12,000 का। दोनों को टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 4,87,000। ठीक है, और 4,18,000 को आप लिखिए टेंजिबल एसेट्स के आगे, यानी कि यहाँ पर 4,87,000। उसके बाद क्या हेडिंग है, टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल इनटेंजिबल, इनटेंजिबल का मतलब होता है ऐसे एसेट जिसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। क्वेश्चन में अगर ढूंढते हैं तो ऐसा एक एसेट मिल जाएगा गुडविल। गुडविल इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर आता है, इसका मतलब नोट्स ऑफ एसेट्स में शो कीजिए फोर्थ नंबर, इनटेंजिबल एसेट्स। और इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर में क्या आ जाएगा, गुडविल। और गुडविल का अमाउंट कितना है, द अमाउंट ऑफ गुडविल इज 30,000। ठीक है, नोट नंबर फोर। तो फोर नंबर यहाँ डाल दीजिए, यहाँ डाल देंगे अब थ्री नंबर, और अमाउंट आ जाएगा 30,000। ओके, ये आ गया। अब आगे बढ़े, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के नाम का कोई भी अमाउंट नहीं दे रखा है तो छोड़ देंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं गिवन है। तो अगला हेडिंग शुरू करते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज, अब ढूंढेंगे इन्वेंट्रीज गिवन है कि इन्वेंट्रीज में क्या आएगा, इसमें दिया हुआ है स्टॉक इन ट्रेड। अब स्टॉक इन ट्रेड की वैल्यू हम इसमें लिख देंगे। ठीक है, पहले इसको लिखेंगे क्योंकि इन्वेंट्रीज स्टॉक इन ट्रेड होता है और हमको पता है कि इन्वेंट्री, तो नोट्स ऑफ अकाउंट भले ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, तो स्टॉक इन ट्रेड की वैल्यू हमें लिख देंगे यहाँ पर 1,40,000। दूसरा है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में दो चीज़ें आती है, एक तो अगर आपके पास दे रखा है बिल रिसीवेबल, दूसरा दिया हुआ है डेप्टर्स। ठीक है, बिल रिसीवेबल और डेप्टर्स। अब देखिए क्या यहाँ पर बिल रिसीवेबल और डेप्टर्स गिवन है, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है तो ट्रेड रिसीवेबल लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ देंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट रखे देखा है, कैश एट बैंक, तो कैश एट बैंक की अमाउंट लिख दीजिए 1,35,000। और नेक्स्ट है अदर करेंट एसेट्स। अब इसके लिए नोट ऑफ अकाउंट बनाना क्योंकि इसमें कौन क्या अमाउंट आएगा वो हमें देखना पड़ेगा। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में यहाँ पर दो आइटम दे रखे हैं। ठीक है ना, आप सॉरी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का आइटम तो हमने लिख दिया है। ठीक है, हमें क्या लिखना है फिफ्थ नंबर पे, अदर करंट लाइबिलिटीज एसेट्स, अदर करंट एसेट्स। अब अदर एसेट करंट एसेट्स में क्या क्या है, एक है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो ये हो गया प्रीलिमिनरी ऐसे एक्सपेंसेस जो एडवांस में खर्च हो चुका है, और ये अमाउंट दे रखा है आपका 2,40,000। और दूसरा आइटम क्या दे रखा है यहाँ पर, सेकंड डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। इन दोनों अमाउंट को टोटल करेंगे और टोटल करके जो आएगा 2,60,000। इसको उठाइए और अदर करंट एसेट्स के सामने यहाँ पर लिख दीजिए 2,60,000। अब रूल क्या होता है बैलेंस शीट का, दोनों ही टोटल बराबर होना चाहिए, लेकिन हमारे पास आइटम गिने चुने दे रखे हैं, पूरे फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है, केवल शो करने के लिए कहा गया, बैलेंस शीट फुल्ली प्रिपेयर करने की के लिए नहीं कहा गया है। तो टोटल करने की कोई ज़रूरत आपको फिलहाल नहीं है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में जहाँ केवल शो करने के लिए कहा जाता है, बैलेंस शीट कभी टैली नहीं करता, आपको केवल अमाउंट शो करना है सही हेडिंग में सही प्लेस में। राइट, समझ में आ गया। इसी तरह क्वेश्चन के लिए सब्सक्राइब करके रखिए, हर कुछ मैं लगातार आपके लिए हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन लाता रहूंगा। थैंक यू।